हाय फ्रेंड्स, तो जो आज का टॉपिक है वो है फाइंडिंग रिमाइंडर। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, आपको एक नंबर दिया होगा और आपको एक डिविज़र दिया होगा, तो आपको ये बताना है कि उसका रिमाइंडर क्या है ना। आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ भी आ रहा हो आपको क्या बताना होगा, सिर्फ रिमाइंडर। ठीक है, गिवन क्या होगा, एक नंबर और डिविज़र। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन इतना बेसिक नहीं आता है, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे भी बनते हैं। तो अपन इसका पूरा जितना भी अपन लेवल कवर कर सकते हैं, जितना भी हायर लेवल तक तो जा सकते हैं उतना कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अब सबसे बेसिक प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले, तो कि मैंने लिखा हुआ है रिम 23/4। इसका मतलब क्या है पहले तो आप ये देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहे आखिर तक कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं और इन सब का मतलब क्या क्या है। 23 है मेरा नंबर, ये क्या है मेरा नंबर। 4 ये क्या है मेरा डिवीज़र, है ना, ये है मेरा नंबर और ये क्या है डिवीज़र, और REM का मतलब है रिमाइंडर। तो मेरे से क्या पूछा गया है, पेन खत्म हो गया है, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो मेरे से क्या पूछा गया है, रिमाइंडर, है ना, कि 23 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो 23 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है +3, एक तो आता है +3, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिमाइंडर -1 भी आता है ना। देखिए, इसी 23 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मुझे पता है मैं किसी भी नंबर को, एन को क्या लिख सकता हूँ, डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसमें मेरा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, डिवीजर से छोटा और जीरो से बड़ा। इसका मतलब जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, नेगेटिव रिमाइंडर आता नहीं है, पर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को यूज़ करूँगा, है ना, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। कैलकुलेशन में नेगेटिव रिमाइंडर मेरे को बहुत हेल्प करेगा, मेरा कैलकुलेशन ईजी करने में। ठीक है, तो हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन मैं नेगेटिव नंबर कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हम जब आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होती आएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, सबसे पहले तो क्या लिखा है, नंबर मेरा 23 है, इसको मैं ऐसा रखता हूँ 4 × 5 + 3, 4×5 = 20 + 3, कितना 23। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 4 × 6 - 1, तो 24 - 1 कितना 23, तो इसका एक और रिमाइंडर क्या सकता है, -1। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो, है ना। सेम अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन एक और आया, जैसे कि मेरे से पूछ लिया गया 37/7, तो 35 डिवाइड हो जाएगा, बचा हुआ 2, 2 कितना रिमाइंडर, ये आ गया +2, तो नेगेटिव में कितना आ रहा होगा, -5, है ना। देखिए, 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 5 + 2, या फिर 37 को लिख सकता हूँ 7 × 6 - 5। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 में से 2 घटाएं, है ना, तो कितना आ रहा है 5, और नेगेटिव टाइम्स लिख देंगे। 4 में से 3 घटाएं तो 1 बचा, 1 को नेगेटिव में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं छोटा सा छोटा रिमाइंडर यूज़ करूँगा, तो कई बार क्या होता है, +3 बड़ा होता है और -1 उसके रिस्पेक्ट में छोटा है, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए -1 मुझे थोड़ा सा इजी पड़ेगा, इसलिए मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन फाइनल आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक से प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है 39/8,
तो 39 डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर दे रहा है? 7 प्लस 7, और नेगेटिव में कितना दे रहा होगा? -1, क्योंकि 8 में से 7 गए तो 1, और 1 नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -1। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो, है ना? इतना तक तो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हो, है ना? इसके बाद में अब जो अगली चीज आती है वो ये है कि अगर मेरे नंबर एडिशन में दिए हो तो, अगर मेरे नंबर क्या दिए हो? एडिशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो, ये मेरा नंबर दिया है और इसे मुझे 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए 7 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर पता करने का एक तरीका तो ये है कि इन तीनों को ऐड कर दूं फिर डिवाइड कर दूं, ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे यही करना होता तो मैं मेथड डिस्कस नहीं करता, ठीक है ना? तो मेथड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर नंबर एडिशन में लिखा हुआ है तो आंसर भी मेरा क्या आएगा? मैं सेपरेटली इनके रिमाइंडर निकालूं तीनों के, और उन रिमाइंडर को ऐड करूं, वो मेरा आंसर होगा। अगर वो रिमाइंडर 7 से छोटा है तो, अगर वो 7 से बड़ा है तो एक और बार डिवाइड करूंगा। ठीक है ना? होपफुली आपको आ गया समझ में। ठीक है, तो इसका देखिए 36 से डिवाइड करने पे ये दे रहा है +1 रिमाइंडर, 41 से डिवाइड करने पे ये कितना दे रहा है? +6, और यहाँ पे +1। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ गया है मेरा? 6 + 1 7, और +1 8, तो ये कितना आ गया है? रिमाइंडर ऑफ 8/7, है ना? अब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया है? 1। ठीक है, अब देखिए मेरी एक स्टेप इन्वॉल्व हुई। अगर आप चाहते तो ये +6 की जगह पे -1 लिख लेते। अगर यहाँ पे -1 लिखते तो 1 - 1 0 हो जाता और 1 आ जाता, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाता? 1। तो मेरी ये स्टेप थोड़ी सी छूट जाती, ये स्टेप बच जाता लिखने के लिए, तो एक स्टेप कम हो गई, है ना? तो ऐसा होता है जब भी कई बार आप नेगेटिव नंबर्स यूज करते हो तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है ना, आगे आपका आंसर और भी छोटा हो रहा होगा अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया होते जाएगा, है ना? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इनको मान लीजिए 8 से डिवाइड करना है, 37, 65, 97। तो देखिए 37 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरे को कितना दे रहा है? 37 दे रहा है मेरे को, 32 हो जाता है डिवाइड, और उसके बाद में 5, तो +5 या -3, है ना? तो मैं ऐसे +5 ना लिख के -3 लिख लेता हूँ, क्योंकि +5 बड़ा है, -3 थोड़ा सा छोटा है। वैसे ही 64, 65, तो 65 में 64 चला गया, 65 मतलब +1। ऐसे ही 97, तो 97 में कितना आ गया? 97 में कौन चला जाता है? 96 चला जाता है, 96 चला जाता है, ये कितना हो गया? +1। अब ये हो गया +2 और -3, तो कितना आ गया? -1। रिमाइंडर कितना आया? -1। अब -1 को मैं लिख सकता हूँ +6, क्या लिख सकता हूँ? -1 को लिख सकता हूँ +7, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7, है ना? होपफुली आपको समझ में आया हो -1 को 7 कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 8 के जो रिमाइंडर होंगे वो होंगे पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 के करस्पॉन्डिंग होता है -1, 6 के करस्पॉन्डिंग -2, 5 के करस्पॉन्डिंग -3, 4 के करस्पॉन्डिंग -4, 3 के करस्पॉन्डिंग -5, 2 के करस्पॉन्डिंग -6 और 1 के करस्पॉन्डिंग -7, इस तरीके से। ठीक है, 8 के केस में, ऐसे ही आप 9 के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो। सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा।
ठीक है। अब एक नोट देख लेते हैं, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए आप, कि इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फैक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, है ना, जैसे एन फैक्टोरियल लिखना है तो एन फैक्टोरियल को ऐसा लिखते हैं, या फिर ऐसा एल बना के और इसके ऊपर एन लिख देते हैं। ठीक है, अब एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल मतलब कि कंसेक्यूटिव एन नंबर्स का मल्टीपल। जैसे कि अगर वन फैक्टोरियल लिखा है तो वन तक के कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल, वो कितना आया, वन। ऐसे ही टू फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या, टू नंबर तक कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, तो वन इंटू टू, वो कितना हो गया, टू। ऐसे ही थ्री लिखा है, थ्री फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, वन इंटू टू इंटू थ्री, वो कितना हो गया, टू इंटू थ्री कितना, सिक्स, है ना। होपफुली क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही अगर मैं फोर फैक्टोरियल लिखूं तो वो इक्वल होगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, वो कितना हो जाएगा, 24। सेम फाइव फैक्टोरियल लिखूं तो ये कितना आ जाता है, 120, है ना। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो इतना, है ना। अगर मेरे को ऐसे ही एन फैक्टोरियल लिखना है, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल हो जाता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टू एन माइनस वन इंटू एन, ये होता है मेरा एन फैक्टोरियल, है ना। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो ये कुछ हुआ फैक्टोरियल के बारे में, है ना। अब अपन वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे। ठीक है, तो मेरे को रिमाइंडर क्या फाइंड करना है इस बार, मुझे जो रिमाइंडर फाइंड करना है वो है वन फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल बाय सिक्स, इसका मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इनको ऐड कर दूं, है ना। लेकिन अब सोचिए, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता तो हो सकता है मैं इसे ऐड नहीं कर पाता, दिक्कत आती, तो मैं क्या करूँगा, सेपरेटली इनका रिमाइंडर निकालूंगा और उनको ऐड कर दूंगा। तो वन फैक्टोरियल तो वन होता है, सिक्स से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस वन। टू फैक्टोरियल टू ही होता है तो सिक्स से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, प्लस टू। ठीक है, उसके बाद में थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स, तो ये रिमाइंडर कितना दे देगा, जीरो। वैसे ही फोर फैक्टोरियल, तो फोर फैक्टोरियल में आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि फोर फैक्टोरियल जो होता है उसमें भी टू इंटू थ्री आता है, तो टू इंटू थ्री आने के कारण ये सिक्स से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना रिमाइंडर दे देगा, जीरो, है ना। तो देखिए आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, वन प्लस टू कितना, थ्री, है ना, इजी था ये। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, सिक्स। अब देखिए ये टेन फैक्टोरियल तक, तो टेन फैक्टोरियल तक मैं वैल्यूज निकालते रहूं तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व की थी, कि वन फैक्टोरियल में टू इंटू थ्री नहीं आता, तो ये तो रिमाइंडर देगा, तो ये कितना दे रहा है, प्लस वन। टू फैक्टोरियल में भी टू इंटू थ्री नहीं आता तो सिक्स से डिवाइड करने पे ये भी रिमाइंडर देगा, कितना दे रहा है, प्लस टू। थ्री फैक्टोरियल में टू इंटू थ्री आता है तो ये कितना देगा, जीरो। सेम फोर फैक्टोरियल को देखूंगा तो टू इंटू थ्री आएगा, सेम फाइव फैक्टोरियल देखूंगा टू इंटू थ्री आएगा, टू इंटू थ्री मतलब सिक्स, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा और जीरो रिमाइंडर देगा। सेम टू इंटू थ्री सिक्स फैक्टोरियल में भी आ रहा होगा, सेवन फैक्टोरियल में भी आ रहा होगा, और आने वाले सारे फैक्टोरियल्स में टू इंटू थ्री जरूर आ रहा होगा, तो उसी कारण होगा क्या, उनका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, जीरो। तो उन सब का रिमाइंडर जीरो है, कहने का मतलब टू फैक्टोरियल के आगे वाले सारे नंबर्स का रिमाइंडर जीरो है,
और 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का रिमाइंडर कितना है, 1 प्लस 2, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। देखिए ऐसा ही अगला वाला भी करते हैं, हाँ होपफुली आपको समझ में आया हुई। अभी अप टू जा रहा है 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है, और डिवाइड में लिखा है 10। अब पिछले क्वेश्चन से आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि ये 100 से डरना नहीं है अपन को, अपन को बस वो नंबर देखना है कि जिस नंबर में नीचे वाले नंबर के सारे फैक्टर आ रहे हो, अगर वो आ गए तो उसके आगे के सारे नंबर, वो और उसके आगे के सारे नंबर मुझे कितना रिमाइंडर दे रहे होंगे, 0। तो बस उसके पहले का रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है ना। तो 10 में क्या आ रहा है, 2 × 5, 10 में क्या आता है, 2 × 5, तो 2 × 5 देखना है। अब 2 × 5 तो किस में आएगा, 5 फैक्टोरियल से आएगा, 2 × 5 इसके पहले से नहीं आएगा, तो 4 फैक्टोरियल तक मेरे को रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल के बाद में 4 फैक्टोरियल और आ रहा होगा, तो यहाँ तक का मेरे को रिमाइंडर निकालना है, और इसके बाद का रिमाइंडर तो कितना है, 0। ठीक है, तो ये 1 कितना दे रहा होगा, 10 से डिवाइड करने पे 1 ही दे रहा होगा, 2 फैक्टोरियल 2 दे रहा होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो 6 दे रहा होगा, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है तो 4 दे रहा होगा। तो 6 + 4 = 10 और +13, तो ये कितना आ गया मेरा, 13। अब ये 13 10 से बड़ा है, एक और बार डिवाइड हो जाएगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3, है ना। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इसी तरीके से करना है प्रॉब्लम, है ना। आपको ये देखना है कि नीचे वाले नंबर के जो फैक्टर हैं वो ऊपर वाले कौन से उसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही अगला, अब इस प्रॉब्लम में मेरे को डिवाइड किससे करना है, 15 से, और ऊपर सम जा रहा है कहाँ, 1 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है। अब बहुत ही ऑब्वियस है, इन सब को आप ऐड नहीं करवाओगे, आपको क्या इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बस चेक ये करना है कि नीचे वाले नंबर के फैक्टर क्या क्या हैं। नीचे वाले के नंबर के फैक्टर हैं 3 × 5, तो ये 3 × 5 बस मुझे देखना है। 3 × 5 मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, है ना। 5 फैक्टोरियल के पहले तो 5 नहीं आ पाएगा, 3 आ जाएगा पर 5 नहीं आएगा, तो 5 फैक्टोरियल में ही 5 आएगा। 5 फैक्टोरियल और उसके आगे के सारे नंबर मुझे कितना रिमाइंडर दे रहे होंगे, 0। किससे डिवाइड करने पे, 15 से डिवाइड करने, तो 4 फैक्टोरियल तक मेरे को चेक करना है, ठीक है। अब देखिए आप चाहो तो आप इसका सम भी निकाल सकते हो, तो ये कितना था, 24, 24 + 6 कितना, 30, और 30 + 2 = 32, और 1 = 33, 33 को डिवाइड किया मैंने 15 से, तो ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, 3, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया हो आपको, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी फाइंडिंग रिमाइंडर से। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे प्लस किया है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन का भी देखते हैं कि अगर आपके नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करेंगे, ठीक है।